हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर एग्जाम्स में। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर से मैथ्स के पूरे सेक्शन को किस तरीके से आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर कह लीजिए मैथ्स में किन किन चैप्टर से किस किस टाइप के सवाल आए थे सबको देखेंगे विद पूरे सोल्यूशंस के साथ। यहाँ पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हमारे कुछ पेड ग्रुप भी चलते हैं और साथ के साथ कुछ फ्री ग्रुप भी चलते हैं रिस्पेक्टिव एग्जाम्स की। अपनी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए इस पर्टिकुलर नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करने के लिए आप अपने आप को फ्री फील करें, और अगर आप टेलीग्राम के थ्रू इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर नंबर पर कर सकते हैं, या फिर अगर किसी भी फ्री ग्रुप में आप सीधे से ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये सारे लिंक आपको गिवन है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 240, द नंबर इज। देखिए, इसमें सबसे पहले मान लीजिए नंबर x है, आपको दिया हुआ है कि नंबर का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस वो खुद यानी x, इसको जब आप ऐड करेंगे इन दोनों को तब आपको मिलेगा 240। अब आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो 240 को इधर लाइए, माइनस हो जाएगा, ये जीरो बच जाएगा, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, अपनी वैल्यू निकाल लीजिए। लेकिन ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसके लिए आप ऑप्शन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है 12, ऑप्शन ए, 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 में 12 ऐड करेंगे तो 156 आएगा, जो कि 240 के बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, 14 का स्क्वायर होता है 196, और खुद 14 अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो आपको मिलता है यहाँ से 210, जो कि 240 के बराबर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर तीन की तरफ बढ़ते हैं, 15 का स्क्वायर होता है 225, उसमें अगर आप 15 ऐड करेंगे आपको 240 मिलेगा। हमारी कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाई हो जाती है, इस ऑप्शन को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसको हमको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एनुअल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बाय विच अ सम ऑफ मनी बिकम्स 125/64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर्स। देखिए, सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन आपको दे रखा है 125/64, इस पर ध्यान दे लीजिए, इसको मान लीजिए ये प्रिंसिपल है और ये 3 साल के बाद जो अमाउंट होगा वो है। प्रिंसिपल आपके पास 64 है और 3 साल बाद ये 64 ना होकर 125 हो जाता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए एक पर्सन ने दूसरे को 64 रुपये उधार दिए, 3 साल बाद क्या होगा, वो पर्सन इसको 125 रुपये लौटाएगा, यानी कि 64 तो देगा ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी देगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो लिखा हुआ है 3 साल, और एक ट्रिक आप इसमें याद रख सकते हैं कि अगर आपको अमाउंट और प्रिंसिपल से सीधे जाना है इंटरेस्ट में, पहले इंटरेस्ट कितना था और बाद में कितना हो गया, ये चीज़ अगर आपको पता करनी है आप स्क्वायर क्यूब रूट ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 2 होता, आप स्क्वायर रूट ले लेते, लेकिन अभी आपको क्यूब रूट लेना है। क्यूब रूट ऑफ 64 होता है 4, और अगर आप क्यूब रूट लेंगे 125 का तब आपको मिलेगा 5, यानी पहले ब्याज लग रहा था 4 रुपये का, 3 साल के बाद 5 रुपये आपने दे दिए, तो एक एक्स्ट्रा दिया 4 के ऊपर, 1/4 का मतलब होता है 25%। ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर इज। नेचुरल नंबर का क्या मतलब होता है, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक पूरा जाते हैं, मतलब कहीं तक भी जा सकते हैं, लेकिन इनकी शुरुआत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 से शुरू करना है। कोई भी नेगेटिव नंबर नेचुरल नहीं होता और 0 भी एक नेचुरल नंबर नहीं है। आप इसमें फॉर्मूला याद रख सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर यानी SN बराबर होता है n(n+1)/2, और अगर आपको एवरेज लेना है तो दोनों साइड n से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास ये आ जाएगा, ये n यहाँ से कट जाएगा तो आपको मिलेगा एवरेज बराबर n+1/2। एन की जगह आप रख देंगे 50, 50 प्लस 1 हो जाएगा 51, 51/2 यानी 25.5, 25.5 यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं आगे, इफ द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 81 देन व्हाट इज द मिडिल नंबर। देखिए, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मान लीजिए पहला x है, दूसरा हो जाएगा इससे 1 ज्यादा x+1, और तीसरा वाला दूसरे से 1 ज्यादा यानी x+2। इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे, मैंने प्लस ऑलरेडी कर रखा है, तब आपको मिलेगा 81। अब आपके पास दो रास्ते हैं, इसको सॉल्व करें, x की वैल्यू निकालें और x+1 क्या होगा ये बता दें, ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि सम 81 है तो एवरेज क्या हो जाएगा, 81/3, क्योंकि 3 नंबर हैं यानी 27, और एवरेज ही हमेशा मिडिल नंबर होता है,
एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होता है, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 15:11 एंड वन ऑफ देम इज 143। इफ देयर एचसीएफ इज 13, व्हाट इज द अदर नंबर। देखिए पहले दो नंबर है, मान लीजिए ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इनका जो रेशियो है वो 15:11 है। अब इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए पहला नंबर 15x है और दूसरा है आपका 11x, और इनका जो HCF है ये 13 है, यानी ये जो 13 है इन दोनों नंबर में इंक्लूडेड होगा ही। तब नंबर आपको कैसे मिलेगा, 15x में आप 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वो नंबर मिल जाएगा। तो पहला हो जाएगा 15 × 13 यानी 195, और दूसरा आपका हो जाएगा 11 × 13 यानी 143। और एक नंबर 143 है तो दूसरा ऑब्वियस सी बात है 195 ही होगा, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, द सर्कल इज ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, टेंजेंट्स आर ड्रॉन 8 सेंटीमीटर फार फ्रॉम द डिस्टेंस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। मान लीजिए इस तरीके से आपका एक सर्कल है जिसकी रेडियस आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है। मान लीजिए सर्कल का जो सेंटर है वो आपका सी है, और सेंटर से लेकर जो आपका डिस्टेंस होता है सर्कमफ्रेंस के बीच में, उसको आप रेडियस कहते हो। रेडियस को चाहे आप ऐसे नाप लो ऐसे नाप लो, हमेशा सेम आती है क्योंकि सर्कमफ्रेंस से आप ले रहे हो डेफिनेशन के हिसाब से। तो ये रेडियस हो गई 4। इसके बाद सेंटर से अगर आप 8 सेंटीमीटर आगे जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है सर्कल से आप बाहर निकल जाएंगे। कितना बाहर निकलेंगे, 8 सेंटीमीटर बाहर आप निकलेंगे। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, और इस पॉइंट से आपको डालना है टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा, यानी जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे और सीधी निकल जाए उसको आप बोलते हैं टेंजेंट। स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। मान लीजिए सर्कल ये है तो ये ए बी आपका टेंजेंट हो गया। देखिए एक पॉइंट पे इसने टच किया, उसके बाद कहीं भी इसको टच नहीं किया और ये लाइन बाहर निकल गई। इसके बाद आप क्या करिए, ये यहाँ से जो पॉइंट है इससे आप डाल दीजिए टेंजेंट। यहाँ तक मान लीजिए आप टेंजेंट डालते हैं, इसको छुआते हुए ऐसे करके इतना आपने टेंजेंट डाला। अब ये टेंजेंट कितना है ये आपको बताना है, इसकी लेंथ क्या है। तब आप सवाल सबसे पहला ये कि टेंजेंट की लेंथ कितनी लेंगे। तो जहाँ से स्पर्श होता है मान लीजिए यहाँ से और जहाँ से आपने चालू किया था, तो ये डिस्टेंस आपको लेनी है। यहाँ से लेकर जो आपकी यहाँ तक की डिस्टेंस है इसको आपको बताना है। आप इसमें देख सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरीके से दिख रहा है। ये एंगल आपका 90 है, ये इस तरीके से एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा ये। और इसके बाद आप इसमें लगा सकते हैं पाइथागोरस का थ्योरम। मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को अलग से बना के दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से है, ये एंगल 90 है, ये लेंथ 8 है, ये 4 है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आप क्या करिए, ये हमेशा हाइपोटेनस होता है h² बराबर p² प्लस b², जहाँ पर p होता है परपेंडिकुलर और b होता है बेस। तो यहाँ पर हो जाएगा h² बराबर 8² प्लस 4² यानी कि 64 प्लस 16 यानी कि 80। तो h अगर आप दोनों साइड अंडर रूट लेंगे तो ये 80 हो जाएगा। 80 को आप लिख सकते हैं 16 × 5 यानी कि 16 चार के रूप में बाहर आ जाएगा, 5 वहीं पे बना रहेगा, तो 4√5। तो 4√5 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 4√5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। अब बढ़ते हम लोग आगे। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC सच दैट BD बराबर BC, यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा, BD बराबर ऊपर हिंदी सेक्शन में देख लीजिए 1/3 ऑफ BC, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। और आपको बताना है AD² / AB² क्या होगा। आपको इसमें बताना है AD² और AB² के बीच का जो रेशियो है ये क्या होगा। आप क्वेश्चन समझ गए, अब चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। सबसे पहले आप बना लीजिए इक्विलेटरल ट्राइंगल को, इस तरीके से बन जाएगा। मान लीजिए ए बी और सी आपने बना लिया है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसके बाद सवाल ये होता है कि इसकी साइड को हम माने क्या, तो इसके लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में आप जानते हैं कि तीनों साइड आपस में बराबर होती है। लिखा हुआ है BD बराबर 1/3 ऑफ BC। अगर आप तीन को उधर लेके जाएंगे तो 3BD मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर BC। तो यानी कि अगर मान लीजिए BD X है तो ये BC हो जाएगा, इसका जस्ट ट्रिपल 3X, तो ये BC हो जाएगा 3X
और अगर आपने BC को 3x माना तो ABAC दोनों को आपको 3x मानना पड़ेगा, क्योंकि ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल है और उसमें तीनों साइड आपस में बराबर होती हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? इसके बाद आप बना लीजिए D कहाँ पे होगा, तो D मान लीजिए समथिंग यहाँ पे होगा और BD बराबर X है, तो आपका जो रिमेनिंग हो गया DC वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा 3x में से लेस कर दीजिए x को, तो 2x बच जाएगा। यहाँ तक ठीक है? इसके बाद आप A से D को ज्वाइन कर दीजिए, तभी आप AD को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। इस तरीके से आपने AD को ज्वाइन कर लिया और इसमें आप बता सकते हैं कि AB² / AD² या फिर जो आपसे पूछा है AD² / AB² का रेशियो क्या होगा। तो इसके लिए AD आपको निकालना सबसे बड़ा चैलेंज की तरीके से लगेगा, लेकिन उसके लिए हम लोग को एक चीज़ अप्लाई करनी है। आपको A पॉइंट से BC जो आपके सामने की साइड है इसमें परपेंडिकुलर को ड्रॉप करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं फिगर में हम लोग ने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है A से सामने वाली लाइन BC पे। जैसे ही आपने परपेंडिकुलर को ड्रॉप किया, आपने देखा कि ये जो लाइन BC है ये दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, BE और CE में, और पूरी आपकी 3x थी, तो ये दोनों 3x के आधे आधे हो जाएंगे, यानी 3x/2। तभी यहाँ पे लिखा हुआ है BE = EC = 3x/2। और इसके बाद अगर आप इस छोटे से ट्राइंगल को देखें AED को, अगर आप इस छोटे से ट्राइंगल इस वाले ADE में देखें, ये जो आपका छोटा सा दिख रहा है, तो इसमें आपको इसमें निकालना, ये जो छोटी सी साइड है DE, ये क्या होगी? देखिए BE बराबर 3x/2 है और BD बराबर x है, तो बड़े में से छोटे को लेस करेंगे तब आपको मिलेगा x/2, तो DE बराबर x/2 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद आप बताइए ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, यानी AE जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था BC पे, उसकी लेंथ। तब आप इसका इसको निकालने का फॉर्मूला होता है एल्टीट्यूड का √3/2 × A, जहाँ पर A होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड। इसको अगर आप रखेंगे इसकी जगह 3x, तब आपको ये मिलेगा √3/2 × 3x, तो यानी कि 3√3 × x/2। तो इस चीज़ को आप नोट कर लें, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है AE। इसके बाद आप इस छोटे से ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे और उसमें अप्लाई कर देंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट को या फिर पाइथागोरस थ्योरम को, तभी आपको AD मिल पाएगा, और AD मिल जाएगा तो उसका स्क्वायर ले लेंगे और आपका काम बन जाएगा। तो चलिए इसमें अप्लाई करते हैं। ये आपका छोटा सा ट्राइंगल है, मान लीजिए मैं इसको अलग से बना दे रहा हूँ इस तरीके से, ये 90 डिग्री, ये A, ये E और ये D। DE की वैल्यू मैंने निकाल रखी थी, x/2 हो जाएगा, और AE की वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट करी है, 3√3 × x/2। इसके बाद आप क्या करिए, ये जो AD स्क्वायर है ये आपका हो जाएगा DE² + AE² और इसको आप निकाल सकते हैं, ये x² / 4 हो जाएगा x/2² और ये हो जाएगा आपका 3√3² होता है 27 x² / 4, तो ये हो जाएगा 27 × 28, एलसीएम 4 ही रहेगा, 28 x² / 4, ये 7 टाइम्स में जाएगा तो 7x² हो जाएगा AD आपका। और AB इसके लिए आपको मेन ट्राइंगल में देखना पड़ेगा, सबसे बड़े वाले में AB क्या है, तो 3x है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9x², x² से x² कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 7/9, तो 7:9 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन C। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, 2x² + 3x + k क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी इस तरीके से लिखी हुई है, 2x² + 3x + k, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हिंदी मीडियम वाले अपने सेक्शन में देख लें और इंग्लिश वाले भी इसमें यहाँ पे करेक्शन कर लें। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कहा जा रहा है इसके जो दो रूट निकलते हैं वो आपस में बराबर हैं, तो आप बताइए k की वैल्यू क्या होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक टर्म यूज़ होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट, जिसको आप लिखते हो कैपिटल D से। इसकी वैल्यू अगर हम 0 कर दें तो हमारे पास कंडीशन बन जाती है कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन की दोनों रूट्स आपस में बराबर हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है B² - 4AC = 0। 4AC को उधर लेके जाएंगे तो B² = 4AC हो जाएगा। B का मतलब होता है x का कोफिशियंट, यानी x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में टर्म लिखा हुआ है या फिर नंबर, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और
फोर इंटू ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यानी 2, और सी का मतलब कांस्टेंट टर्म जो यहाँ पे के है। तो यहाँ से हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर 4 गुणे 8 गुणे के 8 के, तो के बराबर हो जाएगा 9/8, 9/8 हो जाएगी के की वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है ए बी सी एक 3 डिजिटल नंबर है। ए बी सी इस तरीके से कोई भी आपका 3 डिजिट का नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। तो आपको बताना है कि ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी किससे डिविजिबल नहीं है, तो ये चीज़ आपको बतानी है। सबसे पहले आपको कोई भी नंबर मानना पड़ेगा ए बी सी फॉर्मेट में जो कि 3 से डिविजिबल ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 3 से डिविजिबल होने की कंडीशन पता होनी चाहिए, और वो कंडीशन आपकी ये है कि जो सम ऑफ डिजिट है उस पर्टिकुलर नंबर के वो 3 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। तो ऐसा हम कोई भी नंबर रिज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे केस में वो नंबर है 997 हमने मान लिया क्योंकि 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 999, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो इसका सम बनेगा 27 जो कि 3 से डिविजिबल है। तो हमने मान लिया ये 99 और 7 है, कुछ भी आप मान सकते थे, सब पर ये वर्क कर जाएगा। अब ये तो ए बी सी है ना, तो ए बी सी की जगह तो यही रखेंगे 997, और उसके बाद बी सी ए लेना है तो बी की पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी 9 और सी ए, सी का मतलब है 7 और ए फिर से 9 हो जाएगा तो 979, और तीसरा नंबर आपका हो जाएगा सी ए बी, मतलब सी की पोजीशन यहाँ पे पहले आएगी 7, उसके बाद आएगा ए मतलब 9, और फिर आएगा बी मतलब फिर से 9। तो ये नंबर आपका बना सी ए बी बराबर 799। इसको अगर आप ऐड करेंगे तब आपको मिल जाएगा 9 दुनिया 18, 7 25, हासिल लगा 2, 9 दुनिया 18, 2 20, 7 27, 7 हासिल लगा 2, ये 20 हो जाएगा 20, 7 27, तो 2775 इनका रिजल्टेंट आपको मिलेगा, या फिर आप इसको सम भी कह सकते हैं। अब आपको एक काम करना पड़ेगा, सारे ऑप्शन में से देखना पड़ेगा कि किस ऑप्शन से ये पर्टिकुलर नंबर डिविजिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी हमारे अज्यूम नंबर के हिसाब से क्या था, 9 दूनी 18, 7 25, तो क्या ये 25 से डिविजिबल नहीं है, 25 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट 2 डिजिट अगर आप देखें तो 75 है जो कि 25 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी यानी 25 से ये नंबर आपका डिविजिबल है, आपसे पूछा हुआ है, डिविजिबल नहीं होना चाहिए। फिर दूसरे ऑप्शन के हिसाब से आपको 37 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है, तो 37 एक प्राइम नंबर है, उसका कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट वैसे तो होता नहीं है, लेकिन सीधे डिवाइड करके आप देख सकते हैं कि क्या कोई रिमाइंडर आ रहा है क्या। अगर रिमाइंडर यहाँ पे आता है तो इस ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, नहीं आता तो फिर हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे 37 को अगर आप काटेंगे 277 को, तब आपको 7 बार में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 259। आप चेक कर सकते हैं 37 × 7 होता है 259, आप इसको लेस करेंगे मिलेगा यहाँ से 18 और ये 5 नीचे आ जाएगा। अब फिर से आपको 185 काटना है, कुछ इस तरीके का टेबल पढ़ना है, तो आप देख सकते हैं कि 5 बार में पूरा 185 यहाँ से चला जाएगा, तो रिमाइंडर आपका नहीं बचा, आपको आगे देखना पड़ेगा, ये ऑप्शन तो नहीं जाने वाला। ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से 3 से डिविजिबल नहीं है, ये आपको टेस्ट करके बताना है। तो इसके लिए क्या करिए, सम ऑफ डिजिट ले लीजिए, 279, 9716, 16521, 21 7 से कट जाता है जिसका मतलब ये नहीं होगा। अब बचा हुआ ऑप्शन आपका ऑब्वियसली बात है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 ऑप्शन आप काट चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आप डिवाइड करके देख सकते हैं, ये पूरा कट जाएगा। अगला देखते हैं फिर, इफ द लाइंस 3x, यहाँ पे 3x होगा, प्लस 2ky माइनस 2 बराबर 0 एंड 2x प्लस 5 प्लस 1 बराबर 0 आर पैरेलल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो इसके लिए आपको लाइंस कब पैरेलल होती हैं ये कंडीशन पता होनी चाहिए। लाइंस पैरेलल तब होती हैं जब इनके x वाले कोफिशिएंट का रेशियो बराबर हो जाए इनके y वाले कोफिशिएंट के रेशियो के। मान लीजिए आपके पास दो लाइन गिवन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी लाइन आपके पास है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो पैरेलल की कंडीशन के हिसाब से आपको रेशियो लेना पड़ेगा x के कोफिशिएंट का यानी a1/a2, और y के कोफिशिएंट का अगर आप रेशियो लेते हैं तब आपको मिलेगा b1/b2।
तो ये रही आपकी पैरेललिटी वाली कंडीशन, जिसके अकॉर्डिंग दो लाइंस आपस में पैरेलल हो जाती हैं। और तीसरा काम आपको ये करना है कि इनमें वैल्यूज आपको पुट करनी है, जो करेक्ट इक्वेशन है उसको कंसीडर करेंगे और वैल्यूज को पुट करेंगे। इसमें आप करेक्शन पहले ही बता चुके हैं, याद रखेंगे ये 3x है। तो a1 हो गया 3, a2 हो गया 2, और साथ ही साथ b1 हो गया 2k, और b2 हो गया आपका 5। ये 5 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, ये 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, और ये हो जाएगा 4k, और k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15/4, 15/4 = k। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन थे नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर इसका डायरेक्ट लिखा हुआ है। अगला देखते हैं, ये आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस या फिर आप कह लीजिए ट्रेन से रिलेटेड सवाल है। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में तथा उतनी लंबी एक दूसरी ट्रेन को जो कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है 8 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। जो हमारी सेकंड ट्रेन है उसकी स्पीड क्या है पर किलोमीटर आर, ये आपको बताना है। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी कभी कोई ट्रेन किसी पोल को, किसी ह्यूमन बीइंग को या फिर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसकी लेंथ आप निग्लेक्ट कर सकते हैं उसको क्रॉस करती है, तो डिस्टेंस कितना चला जाता है, डिस्टेंस चला जाता है उतना जितनी ट्रेन की लेंथ होती है। इन अदर वर्ड्स आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जब भी ट्रेन इन सभी ऑब्जेक्ट्स को पार करती है तो वो अपने खुद की लेंथ के बराबर दूरी तय करती है। इतनी बात अगर आपको समझ में आती है तब आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड को वेलोसिटी भी कहते हैं इसलिए वी लिखा हुआ है। तो डिस्टेंस आपको पता है 150 मीटर ही होगा क्योंकि वो एक पोल को क्रॉस कर रही है। स्पीड आपको बताना है पता नहीं है, और टाइम बराबर है 15 सेकंड। ये 10 बार में कैंसिल हो जाएगा तो वी बराबर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड पहले वाली ट्रेन की गति हो गई। इसके बाद आगे की कहानी ये दी गई है कि पोल को क्रॉस करने के बाद ट्रेन रुकती नहीं है और एक और ट्रेन को क्रॉस करती है जो उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। तो इसके लिए आपको एक अलग कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी कभी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी अदर ट्रेन को या फिर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है जिसकी लेंथ आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उस केस में जो डिस्टेंस होता है वो हो जाएगा आपका पहले वाली ट्रेन की लेंथ प्लस दूसरे वाली ट्रेन की लेंथ या फिर किसी प्लेटफॉर्म या अदर ऑब्जेक्ट की लेंथ। तो यहाँ पर सम ऑफ द लेंथ के बराबर आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हो। तो इसमें दूसरी ट्रेन कितनी लंबी है, उतनी ही, यानी 150 मीटर। तो उस केस में आपका डिस्टेंस हो जाएगा 150 + 150, और आपकी वेलोसिटी आपको बतानी पड़ेगी। तो वेलोसिटी के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, मान लीजिए दो ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस कर रही हैं, तो ओवरऑल वेलोसिटी हो जाती है v1 + v2, यानी कि उनकी वेलोसिटी आपस में ऐड हो जाती हैं अपोजिट डायरेक्शन में। मान लीजिए ये डायरेक्शन सेम हो जाती तब v1 - v2 हो जाता, उनकी वेलोसिटी आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती। तो दूसरे वाली ट्रेन की वेलोसिटी को मैंने v1 मान लिया और इसमें 10 ऐड कर दिया, और आपके पास टाइम दे रखा था 8 सेकंड में दूसरे वाली ट्रेन क्रॉस हो जाती है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा 300, और ये v1 + 10 इंटू में 8 ही होगा। अब इसको 4 से कैंसिल कीजिए, ये 75 टाइम्स में चला जाएगा और ये जाएगा 2 बार में। आपके पास एक लीनियर इक्वेशन बची है, उसको सॉल्व करना है, 2v1 + 20, और यहाँ से 75, 20 उधर जाके लेस हो जाएगा, तो 2v1 = 55 हो जाएगा, और v1 हो जाएगा 55/2। लेकिन ये तो मीटर पर सेकंड के हिसाब से, अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में जाना है तो मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर होता है 18/5। अगर आपको मान लीजिए मीटर पर सेकंड में जाना होता तब इसका रिवर्स हो जाता 5/18, इस केस में आप 18/5 लेंगे, ये 9 टाइम्स, और ये चला जाएगा 11 बार में, तो 11 × 9 यानी 99 किलोमीटर पर आर दूसरी आपकी ट्रेन इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है, ऑप्शन ए। इसके बाद अगला देखते हैं, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25, 35 एंड 40 लीव्स रिमाइंडर 13, 18, 28 एंड 33। इस केस में आप क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करेंगे क्योंकि इसका कोई टेक्निकल मेथड एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके लिए आप क्या करिए, ऑप्शंस को एक एक करके उठाइए, और अगर मान लीजिए आप पहला ऑप्शन उठाते हैं 1391, उसको अगर आप 20 से डिवाइड करेंगे तो 13 आना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब आप इसको टिक कर सकते हैं, और बाकी कंडीशंस को भी साथ में सेटिस्फाई कर लीजिएगा।
या फिर इसमें एक काम आप और भी कर सकते हैं, देखिए लिखा हुआ है कि 20 से डिवाइड करने पर 13 बच जाता है, तो अगर इसमें से मैं 13 निकाल देता हूँ तो ये 20 से सीधे कटना चाहिए, 13 आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1378 और ये 20 से कटना चाहिए। क्या ये 20 से कटेगा, आपको सीधे दिख रहा है, ये नहीं कटेगा। जब 10 से नहीं कट पा रहा, ये पॉइंट आ जा रहा है, तो 20 से तो अभी सी बात है ये कटने से रहा। और एक भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई, आप तुरंत दूसरे ऑप्शन पे मूव कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं जो कि है 1393। तो 1393 को अगर 20 से कटना है तो इससे आपको 18 लेस करना पड़ेगा। तो 1393 में से 18 आप लेस करेंगे तो 1393 में से 18 गया तो बचेगा 1375। 1375 पूरा 20 से कटना चाहिए। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 20 से कटे? 10 से काटने पे यहाँ पॉइंट आ जा रहा है तो 20 से काटने पे भी पॉइंट आ जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे सॉरी एक मिस्टेक हो रखी है, अगर इसको 20 से डिवाइड होना है तो 13 लेस करना पड़ेगा, ना कि 18। तो इसमें से 13 लेस करेंगे तो आ जाएगा 1380। तो 1380 को अगर आप 20 से डिवाइड करेंगे तो ये तो ऑब्वियस सी बात है चला जाएगा, तो ये ऑप्शन हो सकता है, इसको आप होल्ड पे रखिए। और इसी ऑप्शन को अगर 25 से डिवाइड होना है तब आपको 18 लेस करना पड़ेगा। यही तो गलती हो गई थी पिछली बार, मैंने इसको 18 से काट दिया था, तो ये नहीं होगा। 25 से डिवाइड करने के लिए 18 से काटना पड़ेगा। तो 1393 में से अगर आप 18 निकालेंगे तब आपके पास आएगा 1375, और उसको 25 से डिवाइड करना आसान है क्योंकि लास्ट के दो डिजिट अगर आप देखें तो 75 है, जो कि 25 से चला जाता है 3 बार में, तो इसका मतलब ये कंडीशन भी सही है। तीसरी एक और कंडीशन आप देख लीजिए, 35 से डिवाइड करने पे 28 रिमाइंडर आना चाहिए, यानी कि 28 अगर आप इसमें से निकाल दें तब ये 35 से चला जाना चाहिए सीधे सीधे। तो 28 आप इसमें से निकालेंगे तो ये 1365 हो जाएगा, करके देख लीजिए। और 1365 को 35 से काटना आसान है, 3 बार में 105 चला जाएगा, तो यहाँ पे 31 आ जाएगा और ये 5, और 9 बार में 315 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। चौथी और आखिरी कंडीशन आपके सामने है कि अगर 1393 को 40 से कटना है तब आपको उसमें से 33 निकालना पड़ेगा। तो 33 अगर आप इसमें से निकाल लेते हैं तो 1360 आपका आ जाता है। और 40 से आप इसको काट के देख लीजिए, देखिए वैसे तो इस ऑप्शन को टिक कर देना चाहिए क्योंकि तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है चौथी भी हो जाएगी, लेकिन फिर भी इसको करके देख लेते हैं। 3 बार में 120 चला जाएगा, तो 120 यहाँ पे, यहाँ 16 बचा, 160, तो 40 चौको 160, ये कंडीशन भी डन हो गई, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। इस तरीके से आपको करना था, बाकी ऑप्शन को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखते हैं, देयर आर 3 नंबर्स विच आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 एंड देयर एच सी एफ इज 12, वॉट इज द एल सी एम ऑफ दीज नंबर्स। देखिए आपको 3 नंबर दे रखे हैं, पहला, दूसरा और ये रहा तीसरा, इनका जो रेशियो है 1:2:3 इस तरीके से है। तो मान लीजिए पहला नंबर x हो गया 1x, यानी x, ये 2x, ये 3x, और इनका एच सी एफ दे रखा है 12, तो एच सी एफ इन तीनों नंबर का पार्ट होगा। तो अगर आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये नंबर आपको सीधे मिल जाएगा 12। इसी तरीके से डबल है 24 हो जाएगा, ये ट्रिपल है तो 36 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको? इसके बाद इन तीनों का एलसीएम आप बताइए क्या होगा, बहुत सिंपल सा सवाल है। सबसे बड़ा नंबर है 36, 36 एकम 36, क्या 36 इन सबसे कट जाता है? तो 24 से नहीं कटता, तो 36 इसका एलसीएम नहीं होगा। 36 दूनी 72, क्या 72 इन तीनों से कट जाता है? 12 से 6 बार में, 24 से 3 बार में, 36 से 2 बार में, तो यही इसका एलसीएम है 72। अगला देखते हैं, दो स्लाइड में दो क्वेश्चन हमारे पास हैं, पहला 116, तो इसको देख लेते हैं। किसी रैशनल नंबर, परिमेय संख्या का मतलब होता है रैशनल नंबर, जिसको आप न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो, तो उसके अंश और हर के बीच में रिलेशन दे रखी है, उसका जो हर है वो उसके अंश से 8 अधिक है। अंश का मतलब होता है न्यूमरेटर, हर का मतलब डिनोमिनेटर, उसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 8 अधिक है। तो न्यूमरेटर को मान लीजिए x, तो ये हो जाएगा x प्लस 8, तो आपका नंबर कुछ इस तरीके से बन गया रैशनल नंबर x अपॉन x प्लस 8। और कंडीशन दे रखी है कि अगर न्यूमरेटर में 17 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा x प्लस 17, और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा x प्लस 9, तो ये पूरा का पूरा नंबर 3/2 बन जाता है, तो ये 3/2 हो जाता है।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 17 टू ज़ा 34, ये हो जाएगा 3x प्लस 27। तो ये चीज़ों को आप सॉल्व कर लीजिए, उधर जाके लेस हो जाएगा तो x हो जाएगा, ये इधर आएगा लेस हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो x बराबर 7। x की जगह 7 आप इस पर्टिकुलर वैल्यू में रख दीजिए, तो 7/8 = 15, तो 7/15 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो ये थी पूरी की पूरी क्वेश्चन की सीरीज़, ये 2015 का पेपर था बेसिकली लोअर PCS का, मैथ्स का सेक्शन हमने किया था, रीजनिंग इसमें आती नहीं थी पहले, हो सकता है इस साल आ जाए तो उसकी टेंशन आप ना लें, हमारे पेड बैच में सब कुछ इसमें करवाया जा रहा है, और साथ के साथ अदर सेक्शन के आपको एनालिसिस चाहिए या फिर सोल्यूशन चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर का, तब आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।